एवरीवन, वेलकम टू केरा। मैं हूं आपका होस्ट हमजा पाशा और आज मैं आपको लेके आया हूं टू द बिगेस्ट कार मीटअप ऑफ 2022 ऑर्गेनाइज्ड बाय हजारा ऑटोमोटिव कम्युनिटी जो कि अक्रॉस पाकिस्तान बहुत सारे ऑटो शोज करवाते रहे हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दे हैव ऑर्गेनाइज्ड एन ऑटो शो इन लाहौर एंड आई टेल यू वन थिंग, दीस गाइस आर नॉट कमिंग स्लो। सो गियर अप टू नो एवरीथिंग अबाउट हजारा ऑटोमोटिव कम्युनिटी ऑटो शो। Hazara Automotive Community was founded in 2020 by Saad Qureshi. और HAC का पहला ऑटो शो एप्टाबाद में 2020 में ही हुआ। एंड विद इन अ स्पैन ऑफ जस्ट 2 years, दे वेंट फ्रॉम फ्यू हंड्रेड कार्स टू फ्यू थाउजेंड कार्स। इस कार शो में सिर्फ इंडिविजुअल ड्राइवर्स और गाड़ियां नहीं आई बल्कि पूरी पूरी कम्युनिटीज, पूरे पूरे ग्रुप्स जो कि ऑनलाइन बन चुके हैं पाकिस्तान में। दैट्स हाउ मच मोटर स्पोर्ट इंडस्ट्री इज ऑन द राइज। और उसी एक ऑनलाइन ग्रुप के पार्क ड्रैगस्टर्स ग्रुप के एडमिन हमारे साथ हैं। वेलकम टू द शो, हाउ आर यू? फाइन। सो टेल मी अबाउट योर कार्स। आपकी कम्युनिटी के अंदर कितनी गाड़ियां हैं इस वक्त? हमारी कम्युनिटी में इस वक्त 50+ गाड़ियां हैं, कुछ स्टॉक हैं, ट्यून्ड हैं। ये सारी हमारी ऑटो शोज होते हैं, हमारे मीटअप्स होते हैं, सारी गाड़ियां वहां आती हैं। और फिर दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म जहां पे सारी कम्युनिटी आपस में कोऑर्डिनेट करती है। और अब मुझे अपनी गाड़ियों के बारे में बताएं। यू हैव ब्यूटीफुल कार लाइन अप। सबसे पहले आ जाएं इधर, इसके बारे में बताएं हाउ मच हॉर्स पावर दिस इज और इसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन है। ये स्टॉक है, ये सीआरजी है। सीआरजी, व्हिच मॉडल इज दिस? दिस इज 2017। दिस इज अ वेरी स्पोर्टी लुक, देखने में तो बड़ी। और वो हैचबैक की वजह से इसकी हैंडलिंग वगैरह भी जो इसकी थोड़ी सीट्स इंपैक्ट है बाकी गाड़ी। और इसका पेंट इज इट स्टॉक? इट इज स्टॉक। जबरदस्त। एंड व्हाट अबाउट जेन्युइन पेंट? ये मार्क 2 है। इसको कॉइल ओवर्स पे लगाया हुआ है। इट इज वेरी लो डाउन, जिस तरह के आप देख सकते हैं। अगर जितनी गाड़ी लो डाउन होती है उतना उसका वेट ज्यादा लगता है। इट लुक्स वाइड एंड ब्यूटीफुल। अच्छा, और इसके जो रिम्स हैं इसको कॉइल ओवर्स पे किया हुआ है, इससे गाड़ी नीचे हो जाती है। अच्छा, नीचे होती है। इट इज ड्रॉप नाउ। और रिम्स कितने इंच हैं? इट्स 18 और 19। जबरदस्त यार। Let's move to the next car और हमारे साथ खड़ी है एक ब्यूटीफुल RS8 जिसके ओनर हमारे साथ हैं मोहम्मद अली साहब। एंड बाय द वे ही इज आल्सो एन एडमिन ऑफ पार्क ड्रैगस्टर्स ग्रुप। सबसे पहले तो मुझे आपके ग्रुप के बारे में बताएं कि हाउ इज इट गोइंग सो फार? इट्स गोइंग सो प्रीटी गुड, ठीक है माशाल्लाह। नाउ वी हैव ओवर 50 कार्स। ओवर 50 कार्स, यस। और ये कंपैरेटिवली ईयर तो पुराना है लेकिन RX8 की एक अपनी फैन बेस है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस। इज दिस अ 5 स्पीड और अ 6? इट्स अ 6 स्पीड ऑटोमेटिक ग्रैंड टूरिंग वेरिएंट, 1 आउट ऑफ 3 इन होल पाकिस्तान। जबरदस्त। एंड इट्स अ टोटल जेन्युइन स्टेज 1 ट्यून रोटरी इंजन। सो स्पेशल बिकॉज़ माय फादर गिफ्टेड टू मी ऑन माय बर्थडे। आप ये बताएं कि हमारे व्यूअर्स को स्टेज 1 ट्यूनिंग में क्या क्या चीज़ें ऐड हो? रेव लिमिटेड मूव इसका हुआ है, इसका आप कह लें RPM लिमिटेड मूव्ड है, स्पीड लिमिटेड मूव्ड है, डायनो ट्यून्ड है, कैटबैक लगा हुआ है इसमें। जबरदस्त। और सस्पेंशन? सस्पेंशन स्ट्रोक है, अपग्रेडेड इसके ब्रेक्स हैं मज़दा स्पीड्स की, मज़दा स्पीड स्टार्ट बार्स लगी हुई हैं, ठीक है। और ओवरऑल द मोस्ट अमेजिंग अबाउट दिस कार इज इट्स टोटल जेन्युइन। जेन्युइन। अच्छा, RX8 के बारे में एक स्पेशल बात ये है कि ये अपने से बहुत ज्यादा पावरफुल गाड़ियों को भी मुकाबला देती है इन अ लैप टाइम, क्योंकि इसकी हैंडलिंग जो है वो एक्सेप्शनली गुड है। और दैट्स व्हाई इट इज वन ऑफ द कार्स जो कि बहुत सालों के बाद भी आज भी लोगों में पसंद की जाती है। हमारे पास इस शो की वन ऑफ द रेयरेस्ट कार्स है जो कि पाकिस्तान में सिर्फ एक है। एंड आई प्रेजेंट टू यू मज़दा यूनोस कॉस्मोस जो कि
सनी भाई की है। वेलकम टू गियर अप सनी भाई, हाउ आर यू? इस गाड़ी की हिस्ट्री बताए थोड़ा सा इसके बारे में, क्या स्पेशल, बिकॉज दिस इज एन अमेजिंग लुकिंग कार। एक्चुअली ये पाकिस्तान की एक ही गाड़ी है और मुझसे पहले ये थी डॉक्टर हाकम अली चौधरी के पास। अच्छा। जो कि MNA थे बेनजीर के दौर में, और ये बेनजीर ही की गाड़ी है, ये उन्हीं के लिए ही यूज होती थी। बहुत बड़ी हिस्ट्री है इसका, मतलब इस गाड़ी की। और ये जिस टाइम की गाड़ी है उस टाइम में ये गाड़ियाँ बहुत महंगी होती थी, सस्ती नहीं थी। और ये जिस टाइम पाकिस्तान में आई थी उस वक्त भी कोई 14 मिलियन की गाड़ी पाकिस्तान में पड़ी थी उस टाइम पे। जी 95 में। That's a huge amount. और इसमें वो वर्जन का इंजन आता है जो अब RX-7 वगैरह में ड्रिफ्ट रेसिंग के लिए यूज होता है, रोटरी इंजन में से। इसमें 20B आता था, ट्विन टर्बो ट्रिपल रोटरी, और विच इज प्रोड्यूस मोर देन 300 हॉर्स पावर्स ऑन दैट टाइम। Huge horse power for that time. Yes, बिल्कुल। और ये 91 में बिल्ड होना शुरू हुई थी और 95 इसका लास्ट ईयर था। और मेरे पास ये जो गाड़ी है, आई एम द सेकंड ओनर ऑफ दिस कार, तो ये 93 में पाकिस्तान पोर्ट हुई थी और 95 में ये पाकिस्तान इसने ड्राई पोर्ट क्लियर किया था। तो ये उस वक्त की और आज की पाकिस्तान में एक ही गाड़ी है। ब्यूटीफुल कार, और इसको देख के ही आपको अंदाजा हो जाता है कि दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स। और इसके अंदर मॉडिफिकेशन आपने करवाई हैं या दिस इज टोटली जेन्युइन? इंजन मुझे यहाँ से मिला नहीं था इसका जब मैंने लिया, तो अभी इसमें लेक्सिस का V8 है। और सेकंड ये कि इसमें मॉडिफिकेशन ये की है, इसमें कॉयलओवर्स हैं, इसमें टायर रिम्स हैं, इसमें बॉडी किट्स हैं, बाकी ये टोटल जेन्युइन है, इसमें कोई SH हेयर फेर नहीं किया। पीछे से इस गाड़ी को देखें, सामने से देखना काफी नहीं है। दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशल कार, और इसकी लेंथ अच्छी खासी लेंथ है इस गाड़ी की। यू यूज इट फॉर ड्रैग्स, इसके अंदर प्रॉपर ड्रैग व्हील्स है। हां जी, इसमें ये डकटेल लगा हुआ है, ठीक है, डिफ्यूजर है, एग्जॉस्ट टिप्स हैं, एग्जॉस्ट इसके प्रॉपर बिल्ड किए हैं, और इसका इंटीरियर भी वन ऑफ द रेयरेस्ट इंटीरियर इन द वर्ल्ड ऑफ द कार्स। आई कैन सी एवरीथिंग इज लेदर। यस, बिकॉज इसके जो गाड़ी है इसका नाम है मज़दा इयोनोस कॉस्मो। तो कॉस्मो बेसिकली जो आपका कॉस्मो है, जो हम जब ऊपर देखते हैं आसमान तो हम, हाँ जी, तो इंटीरियर भी उसी तरह डिज़ाइन है, हर चीज़ आपको ऐसे क्लियर नज़र आती है। और ये आज तक मैंने किसी गाड़ी में नहीं देखा कि ऐसा इंटीरियर हो। और उस ज़माने में GPS सबसे पहले इस कार में लॉन्च हुआ है, क्लाइमेट कंट्रोल इस कार में लॉन्च हुआ था। और ये टोटल गाड़ी सारी सिल्वर की है, एलुमिनियम की है, ठीक है। ये लोहा इसमें बड़ा लिमिटेड सा लगा हुआ है, फ्रेम इसके, बॉडी, बोनट, हर चीज़ इसकी एलुमिनियम की है। और आज भी ये जो गाड़ी है ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में हो तो इट इज़ मोर देन $80,000 अभी भी इस टाइम। और अच्छा, मैं देख रहा था, मैं ड्राइवर्स को भी बताता हूँ, विजन पे इतना फोकस इसीलिए करते हैं, जितना विजन आपका खुला होगा उतना आप ड्राइविंग करते कम थकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, आपके लिए आसान होगा चला। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। कहते हैं कि शौक का कोई मोल नहीं होता। मोस्टली दीज कार्स आर ओन्ड बाय यंग टैलेंटेड स्टूडेंट्स, और ये अपनी गाड़ियों को मुनफरिद बनाने के लिए लाखों रुपए और महीनों की मेहनत से मॉडिफाई करते हैं ताकि इनकी गाड़ी इनकी पहचान बन सके। यहाँ पे सिर्फ मॉडिफाइड गाड़ियाँ नहीं है बल्कि विंटेज गाड़ियों की भी कलेक्शन है। और हम मेरे पीछे आप देख सकते हैं 1971 मॉडल मर्सिडीज W123 ई क्लास खड़ी, और उसके ओनर मिस्टर गुलरेज एंड अ फ्रेंड ऑफ माइन इज हियर एज वेल। और वेलकम टू गियर अप गुलरेज। थैंक यू। टेल मी अबाउट योर कार, द हिस्ट्री ऑफ इट, व्हाट
What's special? This is a beautiful 1971 model E-Class, Mercedes E-Class. By the way, इस गाड़ी को 52 years हो चुके हैं. I have celebrated its golden jubilee and it's a part of my life. I really enjoyed cruising it and driving along. I really Once you're into vintage cars, तो उसके बाद you can barely drive anything else क्योंकि वो जो feel है you get very used to it. और इस गाड़ी को आपने कब से रखा हुआ है? ये गाड़ी मेरे पास तकरीबन पिछले 15 साल से है. You look very young, obviously 71 से तो नहीं हो सकता. जी obviously. You're, अच्छा इससे पहले आपने परचेज की 15 साल पहले. जी And you've been driving it since. Yes. और tell me about the interior, exterior. इसके अंदर engine इसका genuine है या आपने इसको change किया? इसका engine change किया हुआ है, Toyota का engine डाला हुआ है इसमें, Beans 2000. क्योंकि original engine इसका खत्म हो चुका था, मैंने जिनसे ली उन्होंने ही swap किया हुआ था इसको. Toyota Beans 2000 engine डाला हुआ है इसमें with automatic transmission. और बहुत बेहतरीन इनलाइन सिक्स इंजन है. मैं एक बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं. व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, इस गाड़ी को आप कितने में सेल कर सकते हैं? मे बी 2.5 मिलियन. 2.5 मिलियन? यस. नहीं नो, इससे नीचे तो आई थिंक दिस इज वर्थ मच मोर देन दैट. यस, इट वाज अ ट्रिक क्वेश्चन. सो Thank you for being a part of Gear Up. Thank you. I love your car. और इसकी आपने maintenance बहुत ही अच्छी तरीके से की है. पता चल रहा है कि किसी ने दिल से गाड़ी रखी है. Now let's move to another version of Mercedes, which is going to be a modified 1977 model. So let's see. और हमारे पीछे है इस वक्त W12377 मॉडल और उसके ओनर हमारे साथ है. वेलकम असद, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? यार बहुत ही जबरदस्त मॉडिफिकेशन की है आपने. यूजुअली इस तरह की गाड़ियां आपको जो है वो उसकी ओरिजिनल हालत में और वो मिलती है, वो शौक है, लेकिन दिस इज अनदर वर्ल्ड जहाँ पे विंटेज गाड़ियों को भी मॉडिफाई करते हैं. व्हाट्स द इंस्पिरेशन बिहाइंड दिस? मैं चाहता था कि कोई ऐसी चीज हो जो Stand out करे, extraordinary लगे, कोई गुजरते हुए लोग जिसको थोड़ा सा मतलब if you look at the cars here, तो probably यहाँ पे 60% Honda Civics and Corollas and all है, तो I wanted my car to stand out, definitely stand out. तो इसके अंदर swapped है, इसमें Toyota का 1J set आता है, it's a sports setup. So I had it freshly installed, if you want to take a look. Sure, definitely. So that's the engine. कलर स्कीम, कलर के पीछे बहुत ही मुझे लगता है मेहनत की हुई है क्योंकि आपकी गाड़ी पे एक स्पेसिफिक कलर टोन है जो थ्रू आउट चल रही है. इवन द लाइट इज मैचिंग द इंजन और जो इसका इनटेक का पाइप है उसके साथ. बेसिकली जो थीम मैंने इसको देना चाहा है, I'm a fiction guy and I can see from the basically I call this the black pearl. अगर आपको पता हो Pirates of the Caribbean के अंदर कैप्टन जैक स्पैरो एंड हिज ब्लैक पर्ल, दैट्स द इंस्पिरेशन बिहाइंड दिस कार. यस, यू हैव डन एन अमेजिंग जॉब और दिस इज द परफेक्ट कार फॉर दिस काइंड ऑफ अ शो एंड इट इज टोटली स्टैंडिंग आउट. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट टू यू. बड़ा मजा आया आपकी गाड़ी देख के. में आपको हर किस्म की मॉडिफिकेशन मिलेगी, जो गाड़ी पे मॉडिफाई हो सकता है वो आपको यहाँ पे मिलेगा. और मेरे साथ है होंडा रिकॉन
जो मैक्सिमम मॉडिफाइड है और उसके ओनर हमारे साथ है अहमद जमाल. वेलकम टू केरम अहमद, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? जबरदस्त. सबसे पहले तो मैं पूछूंगा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ऑटो शो? आई एम रियली एंजॉयिंग एंड बहुत अच्छा माहौल है. सब दोस्त वगैरह आए हुए हैं और सब अपना एंजॉय कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से और सब अपनी दिलो जान से गाड़ियां जो तैयार करते हैं वो लेके आए हैं. मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा मेहनत हुई है गाड़ी के ऊपर. इसको बस बहुत प्यार से तैयार किया है. काफी टाइम लगा इस पे, कोई 7 से 8 months वगैरह लगे हैं इस पे. तो उसके बाद इंशाल्लाह ये रिजल्ट निकला है इसका. बाकी अभी और भी काम इसका रहता है लेकिन वो साथ साथ फिर चलता जाता है. हम अपने व्यूअर्स को बताएंगे कि इस गाड़ी पे कितना खर्चा हुआ है, लेकिन पहले आप मुझे इसकी थोड़ी डिटेल बताएं, इसके अंदर क्या क्या मेन चीज़ें, इसकी स्पेशल चीज़ें क्या है? ये होंडा रिमोन मॉडल है इसका 2009, और जब मैंने ये परचेज किया था तब इसका ब्लैक कलर था. तो ये मैंने इसके अंदर कैंडी रेड कलर में इसको चेंज करवाया है और इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करवाई है. 10 JJ का रिम लगवाया है इसमें और इसका एयर बीफ की गुजरा वाला से एयर सस्पेंशन लगवाई है मैंने और इसका हुड वगैरह चेंज करवाया है इसका और इसका अपना लाइटिंग वगैरह के अंदर एडिटिंग करवाई है. मैं देख रहा था दीदा प्रोजेक्टर लाइट. हाँ जी, प्रोजेक्टर लाइट लगवाई है इसके अंदर और बैटमैन आईज का डिजाइन भी बनवाया है इसके अंदर. और ये आप देख सकते हैं कि गाड़ी एयर सस्पेंशन है इसमें विद द प्रेस ऑफ अ बटन ये गाड़ी अपनी हाइट ऊपर नीचे करती है. जिस तरह के हाई एंड गाड़ियों में आता है इन्होंने प्रॉपर उसको जो है रिबॉन के अंदर ऐड करवाया है. क्या ये डेली ड्रिवन गाड़ी है या ये आप कभी कभी निकालते हैं? डेली ड्रिवन कार नहीं है ये, इसको वीक में कोई सैटरडे या संडे ट्रैक होता है DHA में तब निकाल लेते हैं या फिर कभी दिल किया तो जब निकाल. अब मेन क्वेश्चन, इस तरह की गाड़ी तैयार करने में आपकी जो स्टॉक गाड़ी होती है उसकी तो प्राइसेस मार्केट में आम है, लेकिन इसको इस हद तक मॉडिफाई करने में आपको टोटल कितना अभी तक आप पैसे लगा? बेसिकली ये मैंने जब परचेज की थी तब मैंने कोई 17 लाख की परचेज की थी है. तो उसके बाद इसके ऊपर मॉडिफिकेशन जो हुई है और वो सारा कुछ कर कुर के टोटल एक्सपेंस मेरा आ गया था इसके ऊपर कोई 13 से 14 लाख. और 17 के अलावा ये अराउंड 30 के मुझे ये बजट इसका पड़ा है. बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं शो का कोई मूल नहीं, का कोई मूल नहीं है. और ये इस तरह की गाड़ी सिर्फ पैसे से नहीं बनती, आपको बहुत ज्यादा टाइम और एडिकेशन देनी पड़ती. दिल तब खुश होता है जब आप अपनी गाड़ी को देखते हैं और तब आपके दिल को सुकून होता है कि यार माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है. नहीं, इस कार शो पे दिस कार इज स्टैंडिंग आउट, यू डन अ वंडरफुल जॉब. शो का कोई मोल नहीं होता वाकई. शो के अंदर एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कार्स थी 500 और इवेंट शुरू होने से पहले दे वर ओवर 1600 रजिस्ट्रेशन. इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ सक्सेसफुल दिस इवेंट इज एंड हाउ पैशनेट पीपल आर अबाउट रेसिंग कल्चर. और इस एक और चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि मोटर स्पोर्ट कम्युनिटी और दिस कार ऑटो शो कल्चर इज ऑन द बूम एंड इट हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर इन पाकिस्तान. So this is your host Hamza Pasha signing off. See you next time only on Gear Up.